करने जा रहा है, 9 दिन बाद हो जाएगा 100 दिन। 100 दिन बाद अगर मुख्यमंत्री जी नहीं निकलेंगे तो पूरे गांव गांव में हम लोग ढोल पिटवाने का काम करेंगे। अगर जमीन की स्थिति की जायजा नहीं लेंगे, जाएंगे लोगों के बीच नहीं जाएंगे, गरीबों के बीच नहीं जाएंगे, मजदूरों के बीच नहीं जाएंगे, मरीजों के बीच नहीं जाएंगे, अस्पतालों में नहीं जाएंगे, तो राष्ट्रीय जनता दल गांव गांव में ढोल पीटने का काम करेगा जब 100 दिन पूरा हो जाएगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि 360 घंटे जो होते हैं 90 दिन में होता है, यानी इतने घंटों से जो है वो गायब है। आप नहीं समझ रहे, 90 दिन कल हो गया और जब 9 दिन बाद, आज 91 डे है, 9 दिन जब हो जाएगा तो 100 दिन हो जाएगा। 100 दिन यानी आज से 9 दिन बाद तक अगर मुख्यमंत्री बाहर नहीं निकलेंगे तो हम लोग जो है ढोल पिटवाने का काम करेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कहाँ गायब है। और इस महामारी में, दुख के घड़ी में, तो मुख्यमंत्री को लीड करना चाहिए, आगे से फ्रंट से आगे आना चाहिए। आखिर क्या कंडीशन है कि बाकी के प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो बाहर निकल सकते हैं लॉकडाउन में भी, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री लॉकडाउन के पीरियड में भी बाहर नहीं निकल सकते। अब तो अनलॉक हो रहा है, अभी भी बाहर नहीं निकल रहे। अब डरते हैं तो लोगों के साथ क्यों खेल रहे हैं? डर लगता है, यानी ये तो स्पष्ट है कि कोरोना महामारी है, इस वजह से वो डरे हुए नहीं निकल रहे, तो लोगों को क्यों छोड़ दिया गया मंदिर? यानी लोगों के लाश के ढेर पे वो चुनाव कराएंगे? तो इसका सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ये आंकड़ा जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा, अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो हमको नहीं लगता कि बिहार जो है फिर से खड़ा हो पाएगा। अस्पतालों की कमी हो जाएगी, क्या व्यवस्था इतने सालों में, वेंटिलेटर, टेस्टिंग किट्स, इतने दिन बाद भी इन चीज़ों की व्यवस्था नहीं करा पाएंगे। तो और इससे रिलेटेड कोई सवाल होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। चुनाव नहीं कराना चाहिए बिहार में, आपने कहा कि ये महामारी है, लोग मर रहे हैं, लाखों के ढेर पे चुनाव का, तो ऐसे स्थिति में चुनाव नहीं कराना चाहिए? करना तो ये चाहिए कि सरकार को अपना काम करना चाहिए, अपनी जिम्मेवारी को निभाना चाहिए, व्यवस्था देनी चाहिए, अच्छे अस्पताल, एकमात्र डेडिकेटेड अस्पताल है COVID-19 का NMCH, वहां भी पानी भर जा रहा है। और आप उस स्थिति में, लोग महामारी में झेल रहे हैं और आप जो चुनाव की बात करना, क्या ठीक रहेगा? तो सरकार कुछ नहीं कर रही है तो क्या अनलॉक में और बंदिश बढ़े या लॉकडाउन और फिर बढ़े? अनलॉक लॉकडाउन की बात ही नहीं है, सरकार कुछ कर रही है? आप सरकार कुछ कर ही नहीं रही है ना, तो क्या होना चाहिए? टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, अस्पताल और जो है और व्यवस्था करानी चाहिए, डेडिकेटेड अस्पताल बनानी चाहिए, वेंटिलेटर्स का उपाय करना चाहिए। नब्बे दिन से कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? नहीं हो रहा हो पा रहा, तो क्या होना चाहिए? फिर लॉकडाउन फिर से होना चाहिए? अब लॉकडाउन हम कौन होते हैं बताने वाले? हम इतना कह रहे हैं कि जो स्थिति है वो कंट्रोल में नहीं है सरकार के, भगवान भरोसे छोड़ दिए। लगातार बोल रहे हैं कि सरकार कुछ कर नहीं रही। सरकार कुछ नहीं कर रही तो सरकार जो है आके बताए तो, लेकिन सरकार तो कह रही है कि वो कर रही है, हम यही तो बोल रहे हैं कहाँ कर रही है फिर? पेपर पे ना कर रही है। समाधान क्या है इसका? सरकार माने कि उनसे नहीं हो पा रहा, या बिहार में डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, टेस्टिंग किट्स बनानी चाहिए। आपको आंकड़ा कोई मिला कि कितने टेस्ट किट्स अब तक बिहार को मिले, कितने वेंटिलेटर्स मिले, या केंद्र से क्या मदद मिला है? ये सारी चीजें जो है आपको देखना पड़ेगा। रैंडम टेस्टिंग की बात की जा रही है, आखिर बिहार पीछे क्यों है? समाधान क्या है? ये हम पूछ रहे हैं। समाधान क्या? सारा तो डुबा दिया है लोगों ने, वो तो नहीं कर रहा, तो अब डुबा दिया गया बिहार कैसे?